जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। वैसे तो गेटो शब्द का इतिहास 500 साल पुराना है। आजकल अमेरिका में गेटो शहर की उन बस्तियों को कहते हैं जहां शहर के सबसे गरीब और पिछड़े लोग रहते हैं। यहां अशिक्षा, ड्रग्स, खून खराबा, बीमारियां आम बात हैं। फ्लॉयड मेवेदर का जन्म भी ऐसे ही परिवार में हुआ। जब वो 7 साल के थे तब ड्रग्स बेचने के जुर्म में उनके पिता को जेल हो गई। कुछ ही दिनों बाद उनकी माँ और मामा को भी जेल हो गई। बहुत छोटी उम्र में फ्लॉयड ने अपने पिता से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी। ऐसे में अचानक माता पिता के दूर हो जाने से उन पर गहरा असर पड़ा। छोटे मेवेदर को लगने लगा था कि अब उनका फाइटर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। तब उनकी दादी ने उन्हें बॉक्सिंग सीखना जारी रखने के लिए प्रेरित किया। फ्लॉयड का बचपन शुरू से ही संघर्षपूर्ण था। उनके पिता जो खुद प्रोफेशनल बॉक्सर थे, उन्होंने 3 साल के फ्लॉयड को सिखाना शुरू कर दिया था। और बचपन से ही ट्रेनिंग बहुत कठिन थी, उन्हें छोटी छोटी गलतियों के लिए मार पड़ती। फ्लॉयड कहते हैं कि बचपन में एक समय था मैं मार खाते खाते थक गया था और हर दिन प्रार्थना करता था कि यहां से मैं जल्दी बड़ा होकर भाग जाऊं। ये सब होते हुए भी फ्लॉयड के अंदर साहस था। उन्होंने कभी बॉक्सिंग से मुंह नहीं मोड़ा। वे 11 साल की उम्र में बस्ती के सबसे टफ जिम में ट्रेनिंग करने लगे। इतना साहस फ्लॉयड में आया कहां से? फ्लॉयड कहते हैं कि बचपन में मेरे आसपास बहुत कुछ घट रहा था। जेल होने के बाद मैं रिश्तेदारों के साथ रहने लगा, जहां हम एक कमरे में 7 लोग रहते थे। लेकिन मैंने इन विपरीत स्थितियों में ना तो नकारात्मक विचारों पर ध्यान दिया और ना ही इन्हें अपने अंदर कभी पनपने दिया। मुझे बचपन में एहसास हो गया था कि मैं बॉक्सिंग में कुछ कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसमें आगे बढ़ने के अलावा कुछ और सोचा नहीं, और मैं आज भी यही करता हूँ। फ्लॉयड कहते हैं, मैं अपना ध्यान उन सकारात्मक बातों पर रखता हूँ जिनके बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों, कितनी स्पष्ट सोच है, और इसी क्लैरिटी से चैंपियंस का जन्म होता है। चाहे हम छोटे फ्लॉयड मेवेदर जैसे कठिन हालात में हों, चाहे हम अभी स्ट्रगल कर रहे हों या चैंपियन हों, हमको हमेशा अपनी मेंटल एनर्जी को उन सकारात्मक विचारों पर बनाए रखना चाहिए जिन पर हम कुछ एक्शंस ले सकें। बहुत छोटी उम्र में जब फ्लॉयड मेवेदर ने अपने परिवार और अपने भविष्य की कड़वी सच्चाई देखी, तो वे बॉक्सिंग के माध्यम से सफलता का फॉर्मूला ढूंढने लगे। और यही खासियत है उनके बॉक्सिंग करियर की, उन्होंने न केवल फॉर्मूला ढूंढा बल्कि इम्प्लीमेंट भी किया। फॉर्मूला था वर्क एथिक, कंप्लीट डेडिकेशन और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अगर आप फ्लॉयड मेवेदर के मैच देखें तो उनके मूवमेंट, डिफेंस और काउंटर अटैक देखकर लगेगा कि ये कोई बॉक्सिंग आर्टिस्ट है, ये कितनी आसानी से फाइटर्स को पढ़ रहा है, इनमें तो टैलेंट ही टैलेंट भरा हुआ है। लेकिन स्टीफन फ्राई ने एक बार कहा था कि टैलेंट तो नमक से सस्ता है, यानी आपके आसपास हर किसी में कुछ ना कुछ प्रकार की प्रतिभा और गुण भरे होते हैं, लेकिन टैलेंट और अनडिफीटेड चैंपियन में अंतर होता है वर्क एथिक और डेडिकेशन का। फ्लॉयड मेवेदर के कोच कहते हैं कि वो जिम में अकेला 11 साल का लड़का था, लेकिन रिंग में सीखने की इंटेंसिटी सबसे अलग थी। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वो जिम में सबसे पहले आता और सबसे आखिर में जाता। वो पिछले 20 साल से बॉक्सिंग जी रहा है। अधिकतर फाइटर्स हफ्ते के 20 या 30 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन फ्लॉयड मेवेदर हफ्ते के 60 घंटा ट्रेनिंग करते, फिर बॉक्सिंग के वीडियो टेप्स देखते। ये फ्लॉयड का बचपन से सेल्फ बिलीफ था कि अगर वो हर दिन दूसरे फाइटर से ज्यादा एफर्ट लगा सकते हैं तो वे रिंग में किसी को भी हरा सकते हैं। दूसरी बात जो फ्लॉयड मेवेदर ने अपने करियर में जल्दी सीखी कि वो लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहे। उन्होंने कई जिम्स और एथलीट्स के ट्रेनिंग और रूटीन स्टडी किए और उन्हें अपनाकर उन पर एक्सपेरिमेंट करते रहे, जिस कारण उन्होंने खेल को विभिन्न एंगल से समझा, जिसके कारण उन्हें कोई रिंग में पकड़ नहीं सका क्योंकि वो हर बार अलग तरह से डिफेंस और अटैक करते थे। आजकल इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि हम लोग अच्छा रूटीन और टेक्निक खोजने में ही समय निकाल देते हैं। इससे बेहतर अप्रोच है कि एक टेक्निक पर काम करना शुरू करो, एक्सपेरिमेंट करते जाओ और सीखते जाओ। एक्सपेरिमेंटेशन लीड्स टू सेल्फ डिस्कवरी, मास्टरी हासिल करने का यही तरीका है। फ्लॉयड कहते हैं कि मुझे अनडिफीटेड का राज पता है। आई एम ऑलवेज गोइंग प्लेसेस मेंटली वेयर नो अदर फाइटर कैन गो। मैं हर दिन अपने आप को मेंटली वहां ले जा सकता हूं जहां और कोई फाइटर नहीं जा सकता।
फ्लॉयड मेवेदर के कहने का मतलब है कि वो हर दिन अपनी ट्रेनिंग को मेंटली ध्यान के उस स्तर पर ले जाते हैं जहां दर्द थकान मायने नहीं रखती और जहां अन्य बॉक्सर नहीं जा सकते। फ्लॉयड कहते हैं, मैं हर फाइट की तैयारी एक ही तरह से करता हूँ, मैं हमेशा अपनी सीमाओं से आगे जाता हूँ। आई ट्रेन फॉर एवरी फाइटर द सेम वे आई पुश माई सेल्फ। दोस्तों, ये एक चैंपियन की ही अप्रोच हो सकती है। किसी न किसी रूप में सबको चैलेंजेस आते हैं, जो हर चैलेंज पर खुद को बेहतर करने का जज्बा रखता है वही चैंपियन बनता है। सालों से खेलते हुए फ्लॉयड मेवेदर तो पहले से ही वर्ल्ड क्लास फाइटर और स्ट्रेटेजिस्ट हैं, लेकिन वो कहते हैं, आई ट्रेन फॉर एवरी फाइटर द सेम वे आई पुश माई सेल्फ। इसी मेंटेलिटी के कारण फ्लॉयड मेवेदर एक दशक तक 5 वेट डिविजन्स में अनडिफीटेड चैंपियन रहे। उन्होंने 50 फाइट्स जीती जिसमें उन्होंने 12 बार वर्ल्ड चैंपियंस को हराया। दोस्तों, हमको यही मेंटेलिटी अपने काम, खेल और पढ़ाई में इस्तेमाल करनी है। पहले समझो कि आपके कॉम्पिटिशन में टॉप 5% का स्टैंडर्ड क्या है और फिर अपने काम और ट्रेनिंग को उस स्टैंडर्ड से छोटे छोटे लेवल ऊपर उठाते जाओ। जल्दी ही एक समय आएगा जब आपको खुद अपने ही स्टैंडर्ड से ऊपर उठना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो से मैं कुछ बातें अपने साथ लेकर जाना चाहूँगा। फ्लॉयड कहते हैं, मैं अपना ध्यान उन सकारात्मक बातों पर रखता हूँ जिनके बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों, कितनी स्पष्ट सोच है। हमको हमेशा अपनी मेंटल एनर्जी को उन सकारात्मक विचारों पर बनाए रखना चाहिए जिन पर हम कुछ एक्शंस ले सकें। फ्लॉयड के टैलेंटेड और चैंपियन होने में अंतर है 20 साल के वर्क एथिक और डेडिकेशन का। फ्लॉयड को बचपन की तकलीफ और सदमे से निकलते निकलते इस बात पर यकीन हो गया था कि मेहनत और डेडिकेशन के दम पर वो किसी भी चैलेंज को जीत सकते हैं। फ्लॉयड अपने शरीर और कैपेसिटी को समझते थे। अपनी स्पीड और कंडीशनिंग बनाए रखने के लिए वे हफ्ते के 60 घंटे फिजिकल ट्रेनिंग करते, दूसरे फाइटर्स से 2 या 3 गुना ज़्यादा। फ्लॉयड ने विभिन्न ट्रेनिंग को अपनाकर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए जिस कारण उन्होंने खेल में मास्टरी हासिल की। ये सीखने की बहुत ही अच्छी अप्रोच है। एक बढ़िया टेक्निक पकड़ो, उस पर काम तत्काल शुरू करो, ज़रूरत लगे तो उसमें बदलाव लाते जाओ। अगली बात है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। हर चैलेंज पर अगर हम खुद को बेहतर कर पाएं तो हमको चैंपियन बनने से कौन रोक सकता है। बहुत पावरफुल अप्रोच है। फ्लॉयड कहते हैं कि मैं हर फाइट की तैयारी एक ही तरह से करता हूँ, मैं हमेशा अपनी सीमाओं से आगे जाता हूँ, आई ऑलवेज पुश माई सेल्फ। दोस्तों, इस वीडियो के बाद सोचिए बस एक चैलेंज जो अभी आपके सामने है और बस एक तरीका जिससे आप खुद को बेहतर बनाएंगे। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, मैं इंतज़ार करूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एफर्टलेस कंसिस्टेंसी के विजुलाइजेशन पर वीडियो अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।